धर्मशाला स्थित भारतीय जनता पार्टी के कैंप कार्यालय पर शुक्रवार को महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों दलों की जन समस्याओं के निवारण सहित आवश्यक बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल और उप सभापति जितेंद्र सैनी मौजूद रहे। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों को महानगर के विकास कार्यों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। शहर के विकास पर चर्चा होगी, वार्डों की समस्याओं को बैठक में रखा जाएगा। कार्यकारिणी जो निर्णय करेगा हम लोग निर्देशित करेंगे कि जिलाधिकारी उस कार्य को त्वरित ढंग से कराने को निर्देशित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के आज के इस महत्वपूर्ण आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हम सबके मार्गदर्शक नेतृत्वकर्ता भारतीय जनता पार्टी के महानगर के आदरणीय अध्यक्ष श्री राहुल श्रीवास्तव जी, नगर निगम में पार्षद दल के नेता माननीय महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, महामंत्रीगण आदरणीय देवेश श्रीवास्तव जी, आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, 2006 के बोर्ड में जब हम लोग पहली बार चुन कर गए तो आपका मार्गदर्शन लगातार भाई बड़े भाई महानगर के उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह जी, उपस्थित वरिष्ठ पार्षद श्री राम नारायण जी, रमेश निषाद जी, अजीत जी, श्री चंद्र प्रकाश जी, संजय श्रीवास्तव जी, विजय सिंह छोटू जी, श्री देवेंद्र गौड़ पिंटू जी, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों को शहर के विकास पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। यहाँ हमारे पार्टी के सभी पार्षदगण उपस्थित हैं, साथ में उपस्थित हैं हमारे नगर के भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष राहुल जी, मंत्री ओम प्रकाश जी, देवेश श्रीवास्तव जी और भी हमारे सभी सम्मानित शशिकांत जी। हम लोग बैठे हैं कि शहर का समग्र विकास कैसे हो। 12 तारीख को मीटिंग डीएम की अध्यक्षता डीएम के साथ प्रस्तावित है, जिसमें शहर के विकास पर चर्चाएं होंगी और जो भी वार्डों में समस्याएं हैं उसको हम लोग रखेंगे और कार्यकारिणी जो निर्णय करेगी हम लोग निर्देशित करेंगे कि डीएम साहब उसको कार्य को त्वरित ढंग से कराएं। इसी संदर्भ में हम लोगों ने मीटिंग बुलाई है और इस पर चर्चाएं हो रही हैं और जो भी आगे निर्णय होगा 12 तारीख को बताया जाएगा।